हिंदी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि इन दिनों परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, तमाम तरह की वैकेंसियां आ रही हैं, जीआईसी प्रवक्ता से लेकर के हायर एजुकेशन तक, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो सिर पर है ही। ऐसे में एक चैप्टर है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिसकी हवा ही नहीं लगती, या यूं कह लें कि शब्द शक्तियाँ किसी कविता में कौन सी शब्द शक्ति है, कैसे पहचाना जाए, उसको जानने के लिए किसी भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शब्द शक्तियाँ पहचानेंगे। कोई भी कविता हो, किसी भी कविता में शब्द शक्ति किस तरीके से पहचानेंगे। हम जानते हैं कि शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। उन शब्द शक्तियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है, अविधा और उसके बाद लक्षणा। लक्षणा में हम सीधे सीधे, अविधा में तो हम सीधे सीधे बात ग्रहण कर लेते हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सर्वोपागोड़ी लक्षणा शब्द शक्ति की। हम जानते हैं कि लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति में हम मुख्यार्थ नहीं लेते, यानी कि सीधा सीधा अर्थ नहीं लेते, बल्कि हम क्या लेते हैं, लक्ष्यार्थ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि मोहन गधा है, अब यहाँ गधा जो शब्द है, गधा के जो इसका मुख्य अर्थ है, जिसको मुख्यार्थ कहते हैं, वो है जानवर, जबकि इसका जो लक्ष्यार्थ है वो है मूर्ख। और हमने इस वाक्य में गधा का क्या लिया है, लक्ष्यार्थ लिया है। तो गधा का लक्ष्यार्थ लेने पर ही लक्षणा शब्द शक्ति होगी, मुख्यार्थ नहीं। मतलब सामान्य जो अर्थ है, शब्दकोशीय जो अर्थ है, उसका अर्थ लेने पर अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी। लेकिन जब हम अविधा नहीं बल्कि हम लक्ष्यार्थ लेते हैं, हम उसका शब्दकोशी अर्थ न लेकर के, हम घुमा फिरा करके जो दूसरा अर्थ होता है, अन्य अर्थ होता है, जब वह लेते हैं, तब वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उन्हीं लक्षणा शब्द शक्तियों में हम देखेंगे एक ऐसी शब्द शक्ति है लक्षणा, जिसके अंतर्गत सरोपा गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। इस सरोपा गौड़ी लक्षणा को कैसे पहचानेंगे, आपके छोटा सा शानदार सा ट्रिक बताते हैं, ताकि आप आसानी से इस शब्द शक्ति को पहचान लेंगे। सबसे पहले हम लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर प्रकट किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जी हाँ, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसा कि आपने देखा, गधा शब्द का मुख्य अर्थ है जानवर, और इसका जो लक्ष्य अर्थ है वो है मूर्ख। तो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति ही लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि वक्ता जो कहना चाहता है, श्रोता उसके कथन को व्यवहारिक प्रचलन से भिन्न, रूढ़ या प्रयोजन से ऐसा अर्थ निकाले जो मुख्यार्थ से संबंध रखते हुए भी भिन्न अर्थ को लक्षित करे, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अगर हम पंकज कहें तो कीचड़ से जन्मे हुए किसी भी पदार्थ की बात नहीं होगी, बल्कि कमल की बात होगी। अगर हम हिमालय कहें तो हिम का आलय न समझते हुए, बल्कि हम एक विशेष पर्वत की बात करेंगे। जब हम किसी को गधा कहते हैं तो गधा जानवर न होकर के बल्कि मूर्ख अर्थ लेते हैं, या गंवार शब्द कहते हैं तो गंवार का अर्थ गांव में रहने वाला न लेकर के, जब हम उसे असभ्य या मूर्ख अगर हम अर्थ लेते हैं, तो वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऐसी शब्द शक्तियों में एक शब्द शक्ति है सरोपा गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति। बहुत आसान है, पहले परिभाषा देखते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भेद ज्ञापन आरोप सरोपा गौड़ी लक्षणा कहलाती है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भेद ज्ञापन आरोप
सर्वोपागौड़ी रक्षणा कहलाती है। इसमें उपमेय और उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति की जाती है। अब देखें, अब अभेद आरोप करते हुए उपमेय में उपमान की, तो सबसे आसान तरीका आप इसको ऐसे समझें कि उपमेय में उपमान का आरोप, पहले तो आप ये समझ लें कि उपमेय जो होता है वो व्यक्ति या व्यक्ति का कोई शरीर, आप ऐसे समझ लें, यह ट्रिक है शरीर, और उपमान जो है वो प्रकृति या प्रकृति से संबंधित कोई भी तत्व ले सकते हैं आप। अब अगर कहीं भी उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाए, जैसे हमने लिखा चरण कमल बंदौ हरिराई, अब आप देखें कि चरण जो है वो उपमेय है और कमल जो है वो ट्रिक के अनुसार हम लोग उपमान समझ लिए। अब कमल रूपी चरणों, प्रभु के कमल रूपी चरणों, यानी कि चरण पर कमल का आरोप हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर इस पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो याद रखें, जिस भी कविता में रूपक अलंकार हो वहाँ पर सरोपा गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती ही है। गौर से समझें, जिस भी कविता में रूपक अलंकार हो वहाँ सरोपा गौड़ी लक्षणा होती ही है। रूपक अलंकार से संबंधित कविताएं सरोपा गौड़ी लक्षणा के उदाहरण होती हैं। अब रूपक अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह जरूर होते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, ये गिरि, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, राम रूपी बाल सूर्य, देखें बीच में योजक चिन्ह है, संत सरोज, संत रूपी कमल, हर्षित लोचन भृंग और भौरे रूपी आँखें। इस तरीके से आप देखें कि एक उपमेय उपमान, दो उपमेय उपमान, तीन उपमेय उपमान, चार उपमेय उपमान, जहाँ पर उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर रूपक अलंकार होगा वहाँ पर सरोपा गौड़ी लक्षणा अवश्य होगी। यही है सबसे बड़ा ट्रिक। किसी भी अलंकार में, किसी भी कविता में अगर रूपक अलंकार है तो समझ लें कि वहाँ पर सरोपा गौड़ी लक्षणा ज़रूर है। तो आशा करता हूँ कि आपको सरोपा गौड़ी लक्षणा स्पष्टता समझ में आई होगी। एक उदाहरण और लेते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। अब आप देखें कि बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, विभावरी माने रात बीत गई है, अब जग जाओ, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े उषा रूपी नागरी डूबो रही है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, उपमान का आरोप उपमेय पर कर देने से इसमें रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार जिस कविता में हो वहाँ पर आप सीधे सीधे स्वीकार कर लेंगे कि वहाँ पर सरोपा गौड़ी लक्षणा है। ठीक उसी तरह से कविता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें भी रूपक अलंकार है, और अगर पूछ दिया जाए कि इस कविता में कौन सी लक्षणा है तो आपको बताना होगा कि इसमें सरोपा गौड़ी लक्षणा है। तो सरोपा गौड़ी लक्षणा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि जिस भी कविता में रूपक अलंकार है उसमें सरोपा गौड़ी लक्षणा है। अगर आप चाहते हैं कि
इसी तरीके से एक एक शब्द शक्ति को हम समझें और एक एक शब्द शक्ति को हम याद करते चलें, ट्रिक से याद करें, और किसी भी कविता में शब्द शक्ति को पहचानने की बात हो तो आप पहचानने की कोशिश करें। तो आइए हिंदी वर्सिटी के पास और हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति, और उन कठिन से कठिन कविताओं में हम लोग शब्द शक्ति ढूंढने का प्रयास करेंगे और आसानी से शब्द शक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहिए हिंदी वर्सिटी के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।